मैं ऐसे एक ऐप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस ऐप्स में दोस्तों आप कोई फ़ोन ले लेता है, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो दोस्तों उसका जो है फोटो एक क्लिक कर ले देगा। जैसे कि आप दोस्तों एक मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो आपका फ़ोटो जो है इसकी मोबाइल ऑटोमेटिक जो है आपका फ़ोटो कैप्चर कर लेगा या खींच लेगा। तो उसको कैसे करना है मोबाइल स्क्रीन पर चलूँगा और प्ले स्टोर में चल के किस ऐप्स का नाम है वो भी दिखाऊंगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अगर मोबाइल की स्क्रीन चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली जाना है गूगल पे, ये प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर चले जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है एंटी, ठीक है, एंटी थिफ्ट अलार्म। आपको यही करके ऐप्स को देख सकते हो, 7 MB का है, आपको यही इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हूँ। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सभी देख सकते हो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटीट्यूड अलर्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। यहाँ दोस्तों आपको डिसेबल रहेगा, आपको इसको इनेबल करना है और यहाँ पे दिखा दे यहाँ एक्टिवेशन टू डी एडमिन, यहाँ पे आपको कर देना ओके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा पासवर्ड, ठीक है, एक फ़ोटो दो फोटो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे एक फ़ोटो खींचेगी। ठीक है, एक पैटर्न, अब यहाँ पे यह है फ़ोटो का थीम यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, अब मेरा फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये फ़ोटो कैप्चर कर लिया, ये देख सकते हो। तो ये गाइस फ़ोटो कैप्चर कर लेता है एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मेट्रिसन ड्यूरिंग अलार, तो आपको इसको दोस्तों आप लोग भी इस ऐप की ऐप से बहुत ही जब यह ओपन हो जाता है तो यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा टैप टू एक्टिवेट, यहाँ पर कर देना आपको एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्टिवेट। यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको सभी चीज़ों को चेक कर लेना है। ठीक, यहाँ पे जो जैसा है वैसे ही रहने देना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे एक है एंटी प्रोडक्ट, यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट कर देना है आपको। तो ये भी एक्टिवेट हो गया है एंड वाईफाई, तो इसी तरह आपको सभी को एक्टिवेट कर लेना है एंड सभी को ऐसे ही करना है, आपको जो है बताने लगा। ठीक है, तो आप को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। देखा आपने कैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो है ऐप्स को इंस्टॉल कर सकती हो एंड वो फोटो कैप्चर कर लेगा, आपने देखा ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए यार अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।